नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, आज के शुरू में बात करेंगे जो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नई वैकेंसी जारी की गई है उनके बारे में। पोस्ट का नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट इन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो 3 सितंबर 2022 को एडवर्टाइज हुई हैं। ओपनिंग डेट है 7 सितंबर 2022 और क्लोजिंग डेट है 27 सितंबर 2022। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें फ़ीस रहेगी, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया 27/9 इसमें लास्ट डेट है आपकी, रात को 11:55 तक आप इसमें फिल कर सकते हैं। और इसमें कुल मिलाकर 41 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 26 हैं, SC के लिए 8 हैं, BCA के लिए 4 हैं, BCB के लिए 1 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 2 पोस्ट रिजर्व हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं इसमें बात करूं, डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में और डायरी टेक्नोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो केमिस्ट्री के अंदर या फिर डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो भी आप फिल कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत एक आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में या फिर हायर एजुकेशन में। ठीक है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसकी ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग कम्प्लीट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं पे स्केल की स्केल ऑफ पे की बात करूं तो इसमें 9300 से 3400+4200 का ग्रेड पे है। इसमें FPL 6 में ये पोस्ट आ रही है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें क्या है, वही है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, इसमें 21 से लेकर 42 तक एज लिमिट है, 21 साल से लेकर 42 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद अगर मैं आगे इसमें बढ़ूँ तो रिजर्वेशन पॉलिसी वही जो सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर होती है वही रहेगी। अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है तो वो और देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूँ, मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250-250 रुपये फ़ीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 250 रुपये फ़ीस है, और जो डिसेबल कैंडिडेट उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।